ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ Yes, sir. Yes, teacher. The same, ma'am. संवेदा क्लासेस में खुशामदीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अजीज तलबा व तालिबात व नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं निसार अहमद यानी नामदार महान मुअल्लिम गवर्नमेंट पीयू कॉलेज हाई स्कूल सोने की कानहट्टी तालुका लिंगसूर जिला रायचूर से यानी कर्नाटक रियासत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अजीज तलबा तालिबात मौजूद नाज़रीन कराम आज की ऑनलाइन दरस व तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है खुश आमदीद। आज हम मजमून ज़बान अव्वल से नहम जमात के लिए यानी आपकी दरसी किताब नौ बहार अदब से उनवान सबक उर्दू इबारतें का मुताला करने जा रहे हैं। अजीज तलबा आज हम उर्दू इबारतें पर एक नए तर्ज तरीके से रोशनी डालेंगे। आज के अहम नुकात हैं जिन पर हम रोशनी डालने वाले हैं। इबारत का मानना और मफहूम, इबारत नंबर एक, इबारत नंबर दो, इबारत नंबर तीन, इबारत नंबर चार, इबारत नंबर पाँच और चंद मशकी सरगर्मियाँ और आखिरी कड़ी जो है घर पर काम पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले उर्दू इबारतें। इबारत का तारुफ। इबारत एक अरबी लफ्ज है। इबारत के लघवी माने तहरीर के हैं या मजमून या बयान या मदा के हैं। सालाना इम्तिहानी सवाल पर्चे के लिए एक इबारत मुकरर की गई है। जदीद तर्ज तरीके के मुताबिक सालाना इम्तिहानी पर्चे में इबारत के लिए कुल दो मार्क्स दिए गए हैं। कुल दो सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के लिए दो मार्क्स मुकरर किए गए हैं यानी दो ज़रब दो यानी चार मार्क्स बनते हैं। आप तलबा को इबारत के साथ साथ पूछे गए सवालात को अच्छी तरह से मुताला करना होगा और पूछे गए सवालात का जवाब देना होगा। सवालात के दुरुस्त मुनासिब और मौजू जवाब लिखने होंगे। इसी के वज आपकी खिदमत में आज हम कुछ मिसाली इबारतें पेश करने जा रहे हैं। दर्ज ज़ैल इबारत को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। इबारत नंबर एक, इबारत नंबर दो यानी सवाल नंबर एक, सवाल नंबर दो, इस तरह का मॉडल आपके लिए पूछा जाएगा। सालाना इम्तिहान में आपको मुताला करना होगा इबारत का और उसका जवाब देना होगा। तो शुरू करते हैं। दर्ज ज़ैल इबारत को गौर से पढ़िए, पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। मेराज एक अरबी लफ्ज़ है जिसके लघवी माने जीना, ऊंचाई पर चढ़ना, बुलंद मर्तबा के हैं। अल्लाह ताला ने बंदों के हिदायत के लिए अजीम शान और बुलंद मर्तबा पैगंबरों और रसूलों को भेजा। इन सब में पैगंबर इस्लाम जो मर्तबा और शरफ बख्शा है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी और दूसरे पैगंबर या नबी को हासिल नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ने मेराज का शरफ सिर्फ और सिर्फ हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शा है, जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात आसमान पर जाने से मंसूब है। जो मेराज हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुई वो आज तक खुदा के किसी भी मखलूक को हासिल न हो सकी, ख्वाह वो कितना बुलंद मर्तबा क्यों न हो। इस मेराज का कुरान शरीफ के सूरह बनी इसराइल में जिक्र मिलता है। ये बड़ी मुबारक रात थी जब खुदा के फरिश्ते खास हज़रत जिब्रील अमीन एक मखसूस सवारी बराक लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सात आसमानों, सात ज़मीनों, जन्नत दोजख दीगर मुकामात की सैर कराई। इस दिन अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया, उम्मत मुसलमान के लिए पंच वक्ता नमाज का तोहफा भी अता किया। आम तौर से
माह रज्जब की 27वीं रात को मेराज उन्नबी कहा जाता है, इस यादगार को मुसलमान बड़ी खुशी से मनाते हैं। जलसे मीलाद और नजरे नज़र का सिलसिला जारी रहता है, जा बजा तकरीरों और वाज़ों का इंतज़ाम रहता है, मेराज की अहमियत और वाक़े पर तकरीरें भी होती हैं, आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और सीरत पर रोशनी डाली जाती है। 27वीं रज्जब को कुछ लोग रोज़ा भी रखते हैं, इस रोज़े को हज़ारी रोज़ा भी कहते हैं। इस दिन को बड़ी अहमियत हासिल है क्योंकि आशिकान मुस्तफ़ा इस रात को हम्द नात के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं और आला नंबरात हासिल करने वालों को मुख्तलिफ इनामात व एजाजात से नवाजा जाता है। इस खुशी के मौके पर मुफलिसों, मस्किनों और मोहताजों के लिए खाना और पीने का इंतज़ाम भी किया जाता है। जैसा कि हमने देखा बच्चों, एक इबारत आपके सामने पेश की गई है, अब इसके उर्ज कुछ दो सवाल पूछे जाएंगे, उसके हमें जवाब देने होंगे। पहला जो सवाल है, मेराज के माने और मफहूम को वाज़ह कीजिए। इसी तरह आपके सालाना इम्तिहान में एक इबारत दी जाएगी, दो सवाल पूछे जाएंगे। जैसा कि हमने अभी इबारत जो पढ़ी वो मेराज के मौके पर मेराज की इबारत है, अब उसके मुताबिक सवाल है, मेराज के माने और मफहूम को वाज़ह कीजिए। जवाब मुलाहिज़ा फरमाइए, मेराज एक अरबी लफ्ज़ है जिसके लघवी माने जीना, ऊंचाई पर चढ़ने, बुलंद मर्तबा के हैं। मेराज के रात अल्लाह ताला ने अजीम फरिश्ते जिब्रील अमीन को रवाना करके मखसूस सवारी बुराक के जरिए हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। इस सवाल का जवाब इस तरह हमें तहरीर करना होगा। सवाल नंबर दो है, मेराज के दिन आशिकान मुस्तफ़ा कैसे खुशियाँ मनाते हैं। सवाल नंबर दो, मेराज के दिन आशिकान मुस्तफ़ा कैसे खुशियाँ मनाते हैं। जवाब देखिए, मेराज के दिन आशिकान मुस्तफ़ा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें सजाते हैं और खिरत हमद नात के मुकाबले रखते हैं, आला नंबरात हासिल करने वालों को मुख्तलिफ इनामात व एजाजात से नवाजा जाता है। इस खुशी के मौके पर मुफलिसों, मिस्किनों, मोहताजों के लिए खाने और पीने का इंतज़ाम भी किया जाता है। इस तरह सवालों को पूछा जाने पर हमें तहरीर करना होता है। दो सवाल पूछे जाते हैं, एक सवाल के लिए 2 मार्क्स, एक और सवाल के लिए 2 मार्क्स, यानी साला इम्तिहान के लिए 2 सवाल आते हैं तो उसके लिए 2-2 मार्क्स के यानी 4 मार्क्स पूछे जाते हैं। अब एक और इबारत आपके पेश नज़र है, उसका मुतालिया करेंगे और उसके सवाल जवाब को हल करने की कोशिश करेंगे। दर्ज ज़ैल इबारत को गौर से पढ़कर नीचे दिए गए सवाल के जवाब लिखिए। कोरोना वायरस यानि कोविड-19 एक नई SARS-CoV-2 नामी कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है। कोरोना वायरस की के तिब्बी खसूसियात में बेशतर आम अलामात में से सख्त बुखार, खुश्क खांसी और थकावट शामिल हैं। दीगर अलामात में से जायका या बू की कमी, नाक जाम होना, आशूब चश्म, गले में खराश, सर दर्द, पट्ठों या जोड़ों में दर्द, जिल्द की खारिश, मतली या उल्टी, असहाल, सर्द लगना या चक्कर आना शामिल हैं। कुछ लोगों में बहुत हल्की या गैर मखसूस अलामत हो सकती हैं, जबकि कुछ को शदीद अलामत पैदा हो सकती हैं, जैसे सांस की किल्लत, सीने में दर्द या उलझन जैसी शदीद अलामत पैदा हो सकती हैं। पेचीदगी बीमारियों में सांस की कमी, शदीद सांस की तकलीफ सिंड्रोम ARDS सिंड्रोम, सेपस, सेप्टिक सदमा, थर्मोलाइजोम या दिल, जिगर या गुर्दे के नुकसान समेत मुतद्दा आज़ा की खराबी शामिल हैं। सिपेस बड़े अफराद और वो लोग जो बुनियादी तबई मसाइल जैसे हाई ब्लड प्रेशर, दिल और फेफड़ों में परेशानी, ज़ैबतीस, मोटापा और कैंसर में मुब्तला हैं, इनमें संगीन बीमारियों का खतरा ज़्यादा होता है। अगर इस बीमारी की रोकथाम के लिए मवसर व कारगर तदाबीर न इख्तियार किए जाएँ तो अमराज का हलाक होना लाजमी है।
बीमारी की मुंतकली के बुनियादी तरीके सांस की बूंदों के जरिए होता है। वायरस राबिते के जरिए भी मुंतकल हो सकता है। इनक्यूबेशन की मुद्दत का ज़्यादातर अंदाज़ा 1 से 14 दिन तक होता है। बुनियादी इलाज मुआयनात फराम करने पर मुश्तमिल है। हिफाजती तदाबीर प्रोटेक्शन स्टेप्स, फेस मास्क का इस्तेमाल करना और फेस मास्क को ज़रूर बदलते रहना, वक्त ज़रूरत सैनिटाइज़र का मसलसल इस्तेमाल करते रहना, समाज में एक दूसरे से करीबन 3 फीट की दूरी इख्तियार करना, साबुन या लिक्विड सोप से अच्छी तरह धोना, लोगों को कोरोना वायरस बीमारी से बचाने के लिए कोविड वैक्सीन मवसर कारगर है। कोरोना वायरस से असरअंदाज अमराज को 15 रोज अलहदा रहने का इंतजाम करते हुए इलाज करना। मंदरजा ज़ैल सवालात के जवाब बात लिखिए। कोरोना वायरस के माने और मफून मुख्तसर तौर पर लिखिए। यहाँ पर एक इबारत दी गई थी, बगौर मुतालिया किया गया, अब एक सवाल आपके पेश नज़र है। कोरोना वायरस के माने और मफहूम मुख्तसर तौर पर लिखिए। जवाब आपके पेश नज़र है। कोरोना वायरस यानी कोविड 19 एक SARS-CoV-2 एक नई कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है। सख्त बुखार आना, खुश्क खांसी, नाक का जाम होना, गले में खराश, आशुबे चश्म, पेट और जोड़ों का दर्द होना। एक और सवाल आपके पेश नज़र है। दूसरा सवाल, 2 मार्च के लिए कोरोना वायरस से अपनी हिफाजत करने के लिए कोई 5 तदाबीर लिखिए। एक और सवाल है, कोरोना वायरस से अपनी हिफाजत करने के लिए कोई 5 तदाबीर लिखिए। जवाब, फेस मास्क का इस्तेमाल करना और मास्क को ज़रूर बदलते रहना। पहला तदबीर जो है, तदाबीर में एक पहली तदबीर क्या है, फेस मास्क का इस्तेमाल करना है और मास्क को ज़रूर बदलते रहना चाहिए। दूसरा तदबीर क्या है, वक्त ज़रूरत सैनिटाइज़र का मसलसल इस्तेमाल करना। हमें अपनी हिफाजत करने के लिए वक्त ज़रूरत सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तीसरी तदबीर है, समाज में एक दूसरे से करीबन 3 फीट की दूरी इख्तियार करनी चाहिए। समाज में एक दूसरे से करीबन 3 फीट की दूरी इख्तियार करते रहना चाहिए। चौथा जो तदबीर है, साबुन या लिक्विड सोप का वक्त ज़रूरत इस्तेमाल करना। यानी बैतुल खला या ज़रूरत के लिए हम जब जाते हैं तो हम वहाँ पर क्या है, साबुन या लिक्विड सोप का वक्त ज़रूरत इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और एक जो है, हर फर्द के लिए कोविड वैक्सीन लगाना। हर फर्द के लिए इस वबा से बचने के लिए हर फर्द के लिए कोविड वैक्सीन लगाना चाहिए। एक तीसरी इबारत पर गौर करेंगे, मुतालिया करेंगे और उसके सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। दर्ज ज़ैल इबारत को गौर से पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असली नाम गुलाम मोहिउद्दीन, लकब अबुल कलाम, तखल्लुस आज़ाद और तारीख़ नाम फ़ैरोज़ बख्त था। इनके वालिद बुजुर्गवार का नाम मौलाना खैरुद्दीन और वालिदा मोहतरमा का नाम शेखा आलिया बिनत मोहम्मद था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 को मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। आपके वालिद कलकत्ता के रहने वाले थे, जो अफगानिस्तान से तशरीफ हिजरत करके हिंदुस्तान आ बसे थे। मौलाना आज़ाद 1889 को अपने वालिद के साथ हिंदुस्तान आए। मौलाना आज़ाद ने अरबी, फारसी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, दीनियात, अंग्रेज़ी, ज्योमेट्री, अलजुब्रा और फ़लसफ़े की तालीम हासिल की। मौलाना आज़ाद ने 9 साल की उम्र में लिखना शुरू किया और सिर्फ 11 साल की उम्र में कलकत्ता से 1898 में
एक रिसाला नरंगे आलम शाया करवाया। मौलाना आजाद बैक वक्त मुजाहिद आज़ादी, मुफक्किर इस्लाम, इमाम हिंद, दानिश्वर आलिम, माहिर तालीम, मुहक्किक, मुफस्सिर कुरान, खतीब, अदीब और सहाफ़ी थे। वो हिंदुस्तान के ऐसे सपूत और मसीहा थे कि मुल्क कौम के लोग इनका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। सन 1930 में मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सदर मुंतखब हुए। बाबा कौम महात्मा गांधी जी ने ठीक ही कहा था कि मौलाना आज़ाद ने अपने दिल की धड़कन और जिस्म में दौड़ने वाले खून का हर खतरा मुल्क के लिए वक्फ कर दिया। मौलाना आज़ाद ने कई ममालिक का सफ़र किया, कई अखबारात और रिसाइल के अशात की तर्जुमानुल कुरान के नाम से कुरान मजीद की तफसीर लिखी। इनके मशहूर अखबार अल हिलाल अल बिलाग थे। इनके खतूत का मजमुआ गुबारे खतूत के नाम से शाया हो चुका है। अल हिलाल और अल बिलाग के ज़रिए आपने मिल्लत के मजहबी व समाजी शऊर को बेदार करने के साथ ही साथ मुसलमानों के और बिरादरान वतन के दिलों में मुल्क की आज़ादी की शमा रोशन की। ये हमने एक इबारत को बगौर मुतालिया फरमाया। अब आगे बढ़ेंगे सवालात और जवाब की जानिब। मंदरज ज़ैल सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है, मौलाना आज़ाद कब और कहाँ पैदा हुए और उनके वालिदैन के नाम लिखिए। पहला सवाल जो है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब और कहाँ पैदा हुए और उनके वालिदैन के नाम लिखिए। जवाब आपके पेश नज़र है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर सन 1888 को मक्का मुज़म्मा में पैदा हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर सन 1888 को मक्का मुज़म्मा में पैदा हुए और आपके वालिद बुज़ुर्गवार का नाम मौलाना खैरुद्दीन और वालिदा मोहतरमा का नाम शेख आलिया बिनत मोहम्मद। आपके वालिदा का नाम मोहतरमा शेखा आलिया बिनत मोहम्मद था। दूसरा सवाल, मुलाहिज़ा फरमाइए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस तरह कौम और मिल्लत की दिलों में आज़ादी की शमा रोशन की। दूसरा सवाल जो है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस तरह कौम और मिल्लत की दिलों में आज़ादी की शमा रोशन की। जवाब आपके पेश नज़र है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने मशहूर अखबारात अल हिलाल और अल बिलाग शाया करते रहते, जिसमें इन्होंने कौम मिल्लत के मजहबी व समाजी शऊर को बेदार करने के साथ साथ ही साथ मुसलमानों और बिरादरान वतन के दिलों में मुल्क की आज़ादी की शमा रोशन की। एक तीसरी इबारत को का मुताला करेंगे। दर्ज ज़ैल इबारत को गौर से पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। इल्म उरूज एक मशहूर फ़न है जिससे अशार का वज़न या मौज़ू और नामौज़ू होना मालूम किया जाता है। इस फ़न का मौजिद बसरा का आलिम खलील बिन अहमद है। खलील बिन अहमद 103 हिजरी बमुताबिक अंग्रेज़ी कैलेंडर 731 में पैदा हुआ और 787 में वफात पाई। खलील बिन अहमद ने कुल 15 औज़ान करार दिए और हर वज़न का नाम बहर रखा। बाद में दूसरी मजीद बहरें ईजाद हुई। उरूज मक्का मौज़मा का नाम है। कहा जाता है कि खलील बिन अहमद ने इस फ़न को मक्का मौज़मा में वाज़ा किया था, इसलिए तबरुकन इस इल्म का नाम इल्म उरूज रखा। उरूज बमानी मारूज यानि अर्ज़ किया हुआ या पेश किया गया, जिस पर कोई शेर पेश किया जाए। चूँकि अशार को जांचने के लिए इस इल्म के औज़ान पर पेश किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम उरूज हुआ। बहर जिन अज़ा से बनती है इनको अरकान और हर जुज़ को रुकन कहा जाता है। ये तीन तरीके के हैं, सबब, वितद और फासला। एक के बाद दीगर देखते जाएंगे। सबब
दो हरफी लफ्ज को सबब कहते हैं, इसके दो अकसाम हैं, सबब खफीफ सबब सखील। ऐसे दो हरूफ हरफी लफ्ज जिसका पहला हरूफ मुतहरिक और दूसरा हरूफ साकिन हो सबब खफीफ कहलाता है। मिसाल दिल, गुल, रब, हम, तुम वगैरह। इसका पहला जो हर्फ है वो हरकत करने वाला है, मुतरिक है, दूसरा जो हर्फ है साकिन है। दाल हरकत करने वाला है, लाम जो है साकिन हर्फ है। ऐसे दो हरूफी लफ्ज जिसके दोनों हरूफ मुतरिक हों सबब सखील कहलाता है। उर्दू जबान में इसकी गुंजाइश नहीं है। मिसाल लहू, लेकिन बाज औकात इजाफत की वजह से उर्दू जबान में इस्तेमाल होता है। मिसाल सर, दिली, सरी, सरी दिली वगैरह। वितद, तीन हरफी लफ्ज को वितद कहा जाता है। इसके दो अकसाम हैं, वितद मजमू, वितद मफरूक। ऐसे तीन हरफी लफ्ज जिसके पहले दो हरूफ मुतरिक हों और तीसरा हरूफ साकिन हो वितद मजमू कहलाता है। मिसाल कलम, वतन, मगर, जिगर वगैरह। ऐसा तीन हरफी लफ्ज जिसके पहले हरूफ मुतरिक, पहला हरूफ मुतरिक हो और दूसरा हरूफ साकिन हो और तीसरा हरूफ मुतरिक हो वितद मफरूक कहलाता है। ये भी उर्दू जबान में मुस्तमल नहीं होता, लेकिन कभी कभी इजाफत की वजह से आता है। मिसाल शहर, वफा वगैरह वगैरह। चार हरफी या पांच हरफी लफ्ज़ को फासला कहा जाता है। इसकी भी दो अकसाम हैं, फासला सुगरा, फासला कुबरा। फासला सुगरा ऐसा चार हरफी लफ्ज़ जिसके पहले तीन हरूफ मुतरिक हों और चौथा हरूफ साकिन हो फासला सुगरा कहलाता है। फासला कुबरा ऐसा पांच हरफी लफ्ज़ जिसके पहले चार हरूफ मुतरिक हों और पांचवा हरूफ साकिन हो इसको फासला कुबरा कहा जाता है। उर्दू जबान में इसकी गुंजाइश नहीं है। फासला एक सबब सखील और सबब खफीफ का मजमुआ होता है, और इसी तरह फासला कुबरा एक सबब सखील और वितद मजमू का मजमुआ होता है। उर्दू में उरूस का दारोमदार ज़्यादातर सबब खफीफ और वितद मजमू पर होता है। इन अरकान की तकरार से बहने तश्किल पाती हैं। आपने इबारत को गौर से मुतालिया किया, आप सवालात पूछे जाएंगे, उसके जवाब देने होंगे। इल्म उरूस का मौजूद कौन था, इसकी सन पैदाइश और सन वफात वजाहत कीजिए। इल्म उरूस का मौजूद कौन था और इसकी सन पैदाइश और सन वफात की वजाहत कीजिए। जवाब, इल्म उरूस का मौजूद बसरा का आलिम खलील बिन अहमद था। खलील बिन अहमद ने अहमद की सन पैदाइश 103 हिजरी बमुताबिक अंग्रेजी कैलेंडर 731 ईस्वी है, 787 में इसने वफात पाई। इल्म उरूस से क्या मुराद और इल्म का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, दूसरा सवाल है। इल्म उरूस से क्या मुराद है और इस इल्म का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। जवाब, इल्म उरूस एक मशहूर फन है। इसका इस्तेमाल अशार का वजन या मौजू या और ना मौजू होना मालूम करने के लिए किया जाता है। चौथी इबारत का मुताला करेंगे। दर्ज जैल इबारत को गौर से पढ़कर नीचे दिए गए सवाल के जवाब लिखिए। ताजमहल यानि मकबरे मलिका मुमताज महल जोजाए शाहजहां सन 1659 से सन 1623-27 भारत के शहर आगरा में संगमरमर से बनी हुई एक अजीम शान इमारत है, जिससे मुगल शहनशाह शाहजहां ने अपनी जोजा की मोहब्बत लाफानी यादगार के तौर पर दरियाए जमुना के साहिल पर तामीर करवाया था। ताजमहल अपने फन तामीर की खूबियों और खसूसियतों की बिना पर दुनिया भर में मशहूर है और अजायबात आलम में शुमार होता है। हर साल लाखों सयाह इसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों के नज़्म व नसर में ताजमहल और इसके अजायब पर इस कदर लिखा जा चुका है कि इन सब का इहाता बेहद मुश्किल है। ताजमहल मुगलिया तर्ज तामीर का उम्दा नमूना है। इसकी तामीराती तर्ज फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी तर्ज तामीर के अज्जा का अनोखा मिलाप है। 1983 में ताजमहल को अक्वामे मुत्तहदा के इदारे बराए तालीम, साइंस और कल्चरल ने आलमी सकाफती विरसे में शुमार किया। इसके साथ ही इसे आलमी सकाफती विरसे की जामा तारीफ
हासिल करने वाली बेहतरीन तामीरात में से एक बनाया गया है। ताजमहल को भारत के इस्लामी फन का इल्मी अमली और नायाब नमूना भी कहा जाता है। ये तकरीबन 1648 में मुकम्मल हुआ, मुकम्मल तामिर किया गया। उस्ताद अहमद लाहौरी को आमतौर पर इसका मामूर का ख्याल किया जाता है। कहा जाता है कि ईसा शहराजी नामी एक ईरानी इंजीनियर ने इसका नक्शा तैयार किया था, लेकिन बादशाह नामी में मिलता लिखा है कि खुद शाहजहां ने इसका खाका तैयार किया। ये इमारत सन 1632 से सन 1650 तक कुल 25 साल में मुकम्मल तामीर हुई। इसकी तामीर में 450 करोड़ रुपये और 20,000 मामिरों और मजदूरों ने इसकी तकमील में हिस्सा लिया। तमाम इमारत संगमरमर की है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 130 फीट और बुलंदी 200 फीट है। इमारत की मरमरी दीवारें पर रंग बिरंगे कीमती पत्थरों से नहायत खूबसूरत पचकारी की हुई है। मकबरे के अंदर और बाहर पचकारी की हुई सूरतों में कुरान शरीफ की आयतें नक्श हैं। इमारत के चारों कोनों पर एक एक मीनार है। इमारत का चबूतरा जो सतह जमीन से 7 मीटर ऊंचा है संग सुर्ख रंग का है। इसकी पुष्ट पर दरियाए जमुना बहता है और सामने की तरफ कुर्सी के नीचे एक हौज है जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं और मुगलिया तर्ज के खूबसूरत बाग भी है। इस मकबरे के अंदर मलका मुमताज महल और शाहजहां की खबरें हैं। हर साल इस तारीखी यादगार को 30 लाख अफराद देखने आते हैं। ये तादाद भारत की किसी भी सियाहती मुकाम पर आने वाले अफराद के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। ताजमहल मुगलिया दौर के फन तामीर का एक अजीमुशान शाहकार और एक ऐसी मिसाल इमारत है जो तामीर के बाद ही से दुनिया भर के सयाहों की तवज्जा का मरकज बनी। मोहब्बत ये लाल जवाल निशानी शायरों अदीबों मुसव्विरों और फनकारों के लिए अगरचा वजदान का मुहर्रिक रही, लेकिन हकीकत में एक मकबरा है। हमने इस इबारत का मुतालिया किया, अब इसके मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। ताजमहल कहाँ वाक़ है और इसको किसने और किस लिए तैयार किया? ताजमहल भारत के शहर आगरा में वाक़ है। इस संगमरमर की अजीम शान इमारत को मुगलिया शहनशाह शाहजहां ने अपनी जोजा मलिका मुमताज बानो से बेपनाह मोहब्बत की यादगार में तामिर करवाया। एक और सवाल है, ताजमहल की चंद अहम खसूसियात लिखिए। ताजमहल मुगलिया तर्ज तामिर का उम्दा और फन तामिर का अजीम शाहकार है। पूरी इमारत नायाब और बेशकीमती संगमरमर के रंग बिरंगे कीमती पत्थरों से खूबसूरत पिचकारी की हुई है। मकबरे के अंदर और बाहर पिचकारी की सूरत में कुरान शरीफ की आयतें नक्श हैं। अजीज तलबा, अब इस दर्स व तदरीस की आखिरी कड़ी घर पर काम पर तवज्जा दें। पहला सवाल आपके लिए, मंदरजा ज़ैल सवालात को हल करके अपने मौलिम या मौलिमा को बताएं। यहाँ पर चंद सवाल पेश किए जाएंगे आपको घर पर काम करने के लिए, उसे बगौर मुतालिया करना है और उसका जवाब लिखकर अपने मौलिम या मौलिमा को बताना है। पहला सवाल, मेराज के दिन आशिकान मुस्तफ़ा कैसे खुशियाँ मनाते हैं? पहला सवाल है, मेराज के दिन आशिकान मुस्तफ़ा कैसे खुशियाँ मनाते हैं? दूसरा सवाल है, कोरोना वायरस से अपनी हिफाजत करने के लिए कोई 5 तदाबीर लिखिए। दूसरा सवाल, कोरोना वायरस से अपनी हिफाजत करने के लिए कोई 5 तदाबीर लिखिए। तीसरा सवाल है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब और कहाँ पैदा हुए और उनके वालिदैन के नाम लिखिए। तीसरा सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब और कहाँ पैदा हुए और उनके वालिदैन के नाम लिखिए। चौथा सवाल जो है, ताजमहल की चंद अहम खसूसियात लिखिए। ताजमहल की चंद अहम खसूसियात लिखिए। ये 4 सवालात आपके लिए दिए गए हैं, आपको इसको लिखना है, इसके जवाब लिखे हैं और अपने मुतल्लिका मौलिम या मौलिमा को बताएं। मैं समझता हूँ कि आज की दर्स तदरीस आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। इस तरह से आज की तदरीस का इख्तिताम किया जाता है। अल्लाह हाफिज़। अगली नशिस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अनुदिना अनुक्षणा।